बॉक्स पे खबरें आई हैं, उन पे क्या होनी चाहिए रणनीति, एक बार आपसे जानना चाहेंगे संतोष, टीसीएस को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि टीसीएस को यूएस के सेंट्रल बैंक से जो उनका प्रोडक्ट है उसके लिए एक उन्होंने करार किया है कि अब वो जो प्रोडक्ट है वो टीसीएस उनको प्रोवाइड करेगी। पॉजिटिव खबर है इंडीड, और कल देखा था हमने कि ब्लॉक डील के चलते एक प्रेशर में ज़रूर था, बट जिस तरीके की हम देख रहे हैं कि आईटी को लेकर एक्साइटमेंट है, अभी भी भसीन जी की विप्रो पे कॉल आई, क्या आपको लग रहा है कि टीसीएस में भी एक रीबाउंड आएगा, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? ये सस्ती कल की क्लोजिंग थोड़ी सी कमजोर थी, अपने 50 टाइम मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है करीबन 3970 से 50 के बीच में। अगर ये जोन होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो हम एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो 4050 4100 रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, लेकिन इन केस अगर किसी भी वजह से 3950 ब्रेक होता है, जिसकी उम्मीद अभी तो कम लग रही है, तो फिर शायद वीकनेस बढ़ सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी 3950 के स्टॉप लॉस अगर कोई खरीदारी करना चाहे तो कर सकता है, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, 3950 यहाँ पे ये स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, इस पे आपको रखनी है नज़र। टीसीएस पे आपके रिकमेंडेशन, ये एपिसोड हो गया पूरा, ये कोई मेजर कंसर्न तो नहीं है ना कि जब टाटा सन्स टीसीएस में से अपनी होल्डिंग बेच रहे थे, कहीं ये पूरे सेक्टर को ले तो नहीं डूबेगा? टीसीएस का कल जो एपिसोड था, टीसीएस तक ही लिमिटेड समझे, और वो भी ओवरड्यू था, वो खत्म हो गया। डेफिनेटली ऐसा लगता नहीं है, बट टीसीएस आई थिंक अगर हमारा जो सेक्टरल व्यू है राइट नाउ, तो टीसीएस अगर आप देखेंगे राइट नाउ कि इट्स गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर अमंग ऑल द आईटी स्टॉक्स रिलेटिवली ऑन द स्पेशली ऑन द लार्ज कैप साइड। हमारी जितना भी अभी इंट्रैक्शन हुआ है राइट नाउ कंपनीज के साथ, हमें लगता है ये क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो टीसीएस विल डू आउट परफॉर्म इट्स पीयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट ऑब्वियसली आज टीसीएस रिलेटिवली रिचली वैल्यूएशन पे भी है राइट नाउ, बट देर इज अ रीजन फॉर देम। आई थिंक वन कैन डेफिनेटली स्टार्ट गिव अ पॉजिटिव बायस ऑन टीसीएस ऑन एनी वीकनेस। फंडामेंटली आई थिंक टीसीएस का डील विन भी स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ, और कमेंट्री भी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द कंपनी। आई थिंक वन कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट टीसीएस विद इन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडिंग वाइज हो सकता है कि यहाँ से हो सकता है 50-100 रुपए नीचे चला जाए, बट आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन ऑन द स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वी बिलीव टीसीएस विल आउट परफॉर्म इट्स आईटी पीयर्स एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे टीसीएस की हिस्ट्री भी देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में आज की तारीख में कोई भी आईटी कंपनी नहीं है जिसने विदाउट एनी मेजर एक्विजिशन के जो ग्रोथ दिखाई है। और ये टीसीएस से अगर आप पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो कोई मेजर एक्विजिशन टीसीएस ने कोई किया नहीं है राइट नाउ, और स्टेट दे आर डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। आई थिंक ये क्वार्टर भी मेरे को यही लगता है कि टीसीएस रिलेटिवली दूसरी कंपनीज के मुकाबले आउट परफॉर्म करेंगे, और आई थिंक टीसीएस वन कैन डेफिनेटली एट वीकनेस विल लुक एट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ फॉर द इन्वेस्टमेंट वाइज। ओके, तो टीसीएस पे आज रहेगी ना?